वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ अभिषेक। एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में दोस्तों बात करेंगे फिल्म किक के बारे में, मतलब इस फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्डिट के बारे में बताऊंगा। इस फिल्म के बारे में मैं छोटा सा रिव्यू भी शेयर करूंगा और आखिर में कुछ इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट भी शेयर करूंगा इस फिल्म के बारे में। सो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, पूरा देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, फिल्म किक आज से ठीक 10 साल पहले मतलब 25 जुलाई 2014 को रिलीज हुआ था। फिल्म के लीड रोल में थे सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस, मिथुन चक्रवर्ती, अर्चना पूरन सिंह, रणदीप हुडा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और भी बहुत सारे सह कलाकार इस फिल्म में थे। किक एक मास मसाला एक्शन ओरिएंटेड फिल्म है। फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था साजिद नदियरवाला ने और म्यूजिक दिया था हिमेश रेशमिया, योयो हनी सिंह और मीत ब्रदर्स ने। फिल्म का बजट था 90 करोड़ और इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पे इनकम किया था ह्यूज 26.40 करोड़ और पहले वीकेंड के बाद इस फिल्म का कलेक्शन था 80.13 करोड़ और इस फिल्म का पहले वीक के बाद कलेक्शन था 165.09 करोड़ और इस फिल्म का ओवरऑल नेट इंडिया लाइफ टाइम कलेक्शन था 232 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुआ था। स्क्रीनशॉट है, अगर आप लोग चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। अगर इस फिल्म को मैं एक ही लाइन में रिव्यू करूं दोस्तों, एक डिसेंट एंटरटेनिंग मूवी है। ये सलमान खान मूवी है, मतलब सलमान खान है इसलिए ये फिल्म है। मतलब सलमान खान को छोड़कर ये फिल्म कुछ भी नहीं है। मतलब सलमान खान के फिल्म में जो जो चीज़ें होना चाहिए, एक मास मसाला मूवी, मतलब सलमान खान के फिल्म में एक एक्शन, कॉमेडी, अच्छे गाने, आइटम नंबर, जो जो चीज़ होना चाहिए इस फिल्म में सब कुछ भरपूर है। आपको डेफिनेटली एंटरटेनमेंट देने में ये फिल्म कामयाब होगा। गाना भी बढ़िया है, सलमान खान ने बहुत ही बढ़िया काम किया है इस फिल्म में, सभी सह कलाकार ने भी अच्छा काम किया है। ओवरऑल एक डिसेंट एंटरटेनिंग मूवी है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। अब दोस्तों इस फिल्म के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट। इस फिल्म में एक गाना है, मतलब क्लब में जाके सलमान खान समुंदर, उस गाने का जो राइट है वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नदियरवाला ने खरीदा था सारेगामा म्यूजिक कंपनी से, क्योंकि वो अपनी बीवी दिव्या भारती को ट्रिब्यूट देना चाहते थे। क्योंकि ओरिजिनल जो सॉन्ग था सात समुंदर, वो विश्वात्मा जो फिल्म था उसमें दिव्या भारती ने डांस किया था। एक इंटरव्यू में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था कि क्यों उन्होंने इस फिल्म को साइन किया था, क्योंकि उनको पहले ही लगा था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होगा और इस फिल्म के बाद उनके करियर को बूस्ट मिलेगा, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म को साइन किया था। ये फिल्म साजिद नदियरवाला की एज डायरेक्टर पहली डेब्यू मूवी था। साजिद नदियरवाला ने पहले इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए एआर मुरुगदास को कहा था। कुछ रीजन के चलते हुए एआर मुरुगदास इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया। उसके बाद सीरीज क्रिएटर के पास भी डायरेक्शन का ऑफर गया था, लेकिन आगे बात बढ़ा नहीं कुछ, इसलिए फाइनली उन्होंने खुद डिसाइड किया कि इस फिल्म को वो खुद ही डायरेक्ट करेंगे और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। दोस्तों इस फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस ने खुद अपनी वॉइस डब की थी पहली बार। तो ये था कुछ फैक्ट इस फिल्म के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। किसी फिल्म के बारे में अगर जानना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए। टिल देन दोस्तों, टाटा बाय, जय हिंद एंड टेक केयर, स्टे कूल मैन।